नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के एक युवा भानु महाजन ने सभी धर्मों के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश फैलाने के लिए 8 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश से पैदल यात्रा पर निकले हैं। वह अब तक 14,500 किलोमीटर चल चुके हैं, 51,000 किलोमीटर चलेंगे। इसमें वह 480 दिनों में 17 राज्यों को पैदल पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस 51,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कम से कम 5 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक पैदल शुरू हुई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ओडिशा, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से असम तक। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले भानु महाजन ने इस सनातन हिंदू धर्म के लिए अपने अभियान में बिना किसी सरकारी मदद के सभी धर्मों का सम्मान किया। हमारी यात्रा संपूर्ण भारत पैदल यात्रा है, जो कि मुझे आज जो है 480 दिन हो चुके हैं। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश जालौन से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी, उड़ीसा, झारखंड टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आसाम। तो आज मुझे 480 दिन हो चुके हैं, यात्रा चल रही है 480 दिन की, और हमारी यात्रा संपूर्ण यात्रा 51,000 किलोमीटर की है, जिसमें हम 14,500 किलोमीटर चल चुके हैं। कब निकले थे घर से? मैं 8/8/2022 को निकला था। और कितने दिन तक कंप्लीट होगा? लग जाएगा, वही 5 साल लग जाएंगे पूरी यात्रा को। 5 साल लगेगा। ये आप जो घूम रहे हैं इसमें, ये खुद का मैनेजमेंट है, बकाया पब्लिक सपोर्ट सभी जगह से मिल रहा है? नहीं नहीं, पब्लिक सपोर्ट करती है, कभी मिलना नहीं, पब्लिक सपोर्ट करती है। तो हम बता दें, हमारी एक यात्रा जो कि मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन हमारी यात्रा प्रेम यात्रा है। मैं सभी देव स्थान की यात्रा कर रहा हूँ, धर्म के हो चाहे वो ईसाई धर्म के हो चाहे वो सरदार धर्म के हो, सभी धर्म की यात्रा कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपके अजमेर शरीफ से निकला था, तो अजमेर शरीफ ख्वाजा करीम नवाज भी गया था, वहाँ की भी मैंने जो है दरगाह पे माथा टेका था। उसके अलावा मैं जब पंजाब में अमृतसर से गुजरा, तो वहाँ पे जो है गुरुद्वारे में गोल्डन टेम्पल जो नाम से फेमस है ऑल इंडिया में, वहाँ पे भी गया था, और गुरु नानक के वहाँ पे जाके मैंने सजदा किया था। तो हमारी यात्रा प्रेम यात्रा है, और सभी लोगों से कहना है और सभी लोगों को जागृत करना है अपने धर्म के प्रति, क्योंकि हमारे किसी धर्म में नफरत नहीं लिखी है। जब आप अपने गांव में बने 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे जो टेम्पल्स हैं, आप जिस धर्म से हैं, अगर हिंदू धर्म से हैं तो मंदिर, मुस्लिम धर्म से हैं तो मस्जिद, अगर सरदार हैं तो आप गुरुद्वारा, और अगर क्रिश्चियन हैं तो आप अपने चर्च पे जाएं। किसी भी ग्रंथ में नफरत नहीं लिखी है। ये सोचना हमारे हाथ की नहीं होती, ये तो परमपिता परमेश्वर के हाथ के होता है, जो आदमी को विकसित करता है। हर आदमी सोच के चलने लगे, हर आदमी के अंदर थोड़ी जागृत होगी। जिसके अंदर प्रभु की कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान का वास होगा, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। हम चलने वाले कौन है? चलाने वाला तो परमपिता परमेश्वर, और जो परमेश्वर के जो भक्त हैं वो हमें सारा आसरा दे रहे हैं, सारा सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।